मुझे याद है एक बार की बात है इस तेजी के मार्केट में मैं कॉल राइटिंग करूंगी या पुट राइटिंग करूंगी वो डिपेंड करता है पाँच दिन में अगर मूवमेंट नहीं आया पैसा वेस्ट हो रहा है तो फिर ऑप्शंस पांच हजार की खरीदो दस हजार की खरीदो पंद्रह हजार की खरीदो पचास हजार बीस सत्तर हजार के ऑप्शंस क्यों खरीद रहे हैं हम प्रॉफिट इज सेकेंडरी प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज प्राइमरी नमस्ते फ्रेंड्स मेरे पास एक और रिक्वेस्ट आई राइटिंग ऑप्शंस सबकी डिमांड सेलिंग ऑप्शंस सब मुझे बाइंग ऑप्शंस के हिसाब से जानते हैं बट ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन सेल नहीं करती या राइट नहीं करती मैं राइटिंग करती हूँ लेकिन मेरे एक सर्टन क्राइटेरिया है वो मैच होगा तो मैं पक्का राइटिंग करती हूँ हाँ मेरा ध्यान थोड़ा बाइंग की तरफ ज़्यादा रहता है बट राइटिंग से परहेज नहीं है मैं कैसे राइटिंग करती हूँ और क्या क्या पैरामीटर्स देखती हूँ वो मैं आपको सिखाती हूँ मैंने अपनी तरफ़ से इसे बहुत सिंपल बना के रखा है और हमेशा मेरा ये कहना रहता है कि आप अगर इसे ट्राई करते हो तो पहली बात इसे पहले प्रैक्टिस करो दूसरा कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना चाहिए कितना भी बड़ा ट्रेड हो स्टॉप लॉस जरूरी है छोटा बड़ा आपकी कैपेसिटी पॉकेट साइज सब कुछ इस पर डिपेंड करता है बट डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस पैसे ऐसे उड़ जाते हैं जैसे पता ही नहीं था कि बैंक में कभी होता भी था क्या पैसा आज देखो पैसा है कल बैंक में आपको नील बैलेंस मिलेगा मार्केट में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है हम स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड में नहीं लगाते हैं और आए दिन मुझे यही सुनने मिलता है कि मेरा इतना लाखों का लॉस हो गया और मैं कभी कभी ये ताजुब करती हूँ कि रिटेलर इतना बड़ा लॉस कैसे कर सकता है जिसकी खुद की कैपेसिटी पाँच लाख नहीं हो मुश्किल से मुश्किल पचास हज़ार लाख रुपए दो लाख रुपए वो मुझसे आके कहते हैं मेरा पाँच लाख दस लाख रुपया गया तो मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ कि वो किस टाइप के सौदे करते हैं हम बाइंग करते हैं बाइंग में फेल हो गए तो सेलिंग करते हैं क्यों क्योंकि हमें लगता है कि बायर हमेशा को होता है तो सेलिंग करते हैं चलो हम सेलिंग कर दिए लेकिन सेलिंग के भी जो मेरे पैरामीटर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या देखती हूँ फ्रेंड्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो तो मेन होते ही हैं ये चार्ट्स में भी देखते हैं और ऑप्शन चेन में भी तो चलो मैंने दोनों में देख लिया इसके अलावा एक होता है कि मार्केट में फास्ट मूवमेंट एक्सपेक्टेड है या स्लो मूवमेंट तो उसके लिए मैं ए का यूज़ करती हूँ विथ डायरेक्शनल मूवमेंट तो मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पे लगाया है डी एम आई डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स इसमें जो ये ब्लू लाइन देख रही है ये अपसाइड मूवमेंट की लाइन है और जो रेड लाइन है वो डाउनसाइड मूवमेंट की लाइन है और जो ब्लैक लाइन है ये एडीएक्स है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एडीएक्स का काम है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ब्लू लाइन के साथ ऊपर जाएगी और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ब्लू रेड लाइन के साथ नीचे नहीं आएगी वो रेड लाइन के साथ ऊपर जाएगी मतलब जिसमें ताकत होगी वो कलर की लाइन आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी अगर मार्केट गिर रहा है तो यहां पे आप देखेंगे ताकत किस में है रेड लाइन में तो रेड वाली जो है वो ऊपर जाएगी और यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है पूरा मार्केट पूरा ये देखिए अप ट्रेंड है तो ताकत किस में है ब्लू लाइन में तो ब्लू लाइन ऊपर जाएगी और इनके साथ ही एडीएक्स भी ऊपर जाता है ये देखिए एडीएक्स की डायरेक्शन आप देखोगे तो ये भी ऊपर की तरफ है पूरा जनरली जब मैं राइटिंग करती हूँ तो मैं चाहती हूँ एडीएक्स जो रहे वो अराउंड अबाउट ट्वेंटी के ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव उसके नीचे ही रहे और यहाँ तक कि इवन रेड और ब्लू भी ट्वेंटी फाइव के तो नीचे रहे और अगर ट्वेंटी के नीचे रहा तो बेस्ट अच्छा ये हो गया साइडवेज मार्केट रनिंग मार्केट में भी ये पॉसिबल है अब इस तेजी के मार्केट में मैं कॉल राइटिंग करूंगी या पुट राइटिंग करूंगी वो डिपेंड करता है यहाँ पर कॉल राइटिंग करेंगे या पुट राइटिंग अगर ये ब्लू लाइन 25 के ऊपर है तो मैं कॉल बाइंग ज़्यादा पसंद करूँगी लेकिन जैसे अभी ये फॉल आ रहा है और ए की लाइन कहाँ है रेड कलर की इट इज़ बिलो ट्वेंटी फाइव बिलो ट्वेंटी बेस्ट बट बिलो ट्वेंटी यहाँ पे हम पैरामीटर उसका देख सकते हैं रेड और ब्लू हमने कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया है अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है और रेड और ब्लू दोनों जो है वो ट्वेंटी फाइव के अंदर अंदर ही है ट्वेंटी फाइव के पास में है बट नीचे की तरह और नीचे आते जा रही है क्या आ रहा है ए डी एक्स पूरा नीचे है ब्लैक लाइन भी नीचे है रेड लाइन भी नीचे है सब नीचे है और प्राइस साइडवेज चला गया यहाँ से नीचे आते हुए प्राइस साइडवेज चला गया तो क्या ये अकेला इंडिकेटर काफ़ी है मैं साथ में एक और चीज़ यूज़ करती हूँ वो है ऑप्शन चेन तो अस गो टू ऑप्शन चेन अस टाइप आई सी आई सी आई अभी आई सी आई सी आई के ये ऑप्शन चेन है और इसका जब मैं ऑप्शन चेन देखती हूँ तो देखने में तो ये मुझे हाईएस्ट पुट ये दिख रहे हैं और हाईएस्ट कॉल ये दिख रहे हैं ये मुझे हाईएस्ट कॉल दिख रहे हैं तो सबसे पहली बात 1150 और 1250 के अंदर का 100 पॉइंट का रेंज है एग्रीड रेंज इज इन माई फेवर ऑफ एट टू टेन बट प्रॉब्लम क्या आ रही है अगर ये नीचे जा रहा है तो हर लेवल पे क्लस्टर है बड़ी क्वांटिटीज है इतने सारे ओपन इंटरेस्ट है मतलब इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स है उसको इतना इजीली प्रेशर नहीं है फॉलोने होने का ना तो मुझे एडीएक्स इतनी मजबूती दिखा रहा है ना ही मुझे ऑप्शन चेन इतनी मजबूती दिखा रहा है कि उसमें स्पीड आएगी अगर स्पीड आनी होती तो वो बिल्कुल क्लीन होता नीचे की तरफ मतलब मुझे जैसे यहाँ देख रहे हैं कितने कम ओपन इंटरेस्ट है तो वैसे ही मुझे यहाँ पे भी कम दिखाई देते ऊपर भी अगर ये जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट इतनी स्पीड के साथ नहीं आएगी देर इज अ क्लस्टर देर आर स्पीड तो गाड़ी जो है वो स्पीड नहीं पकड़ पाएगी इसके साथ में अगर वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे है तो मान लो अगर वो रेजिस्टेंस पे है तो मैं पुट बाय करने के बदले कॉल शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद करूंगी बिकॉज ऊपर भागते टाइम भी उसको मजबूरी है नीचे उतरते टाइम भी स्लो जाएगा तो अगर मैं कॉल राइट right करती हूँ तो भी ठीक है अगर मैं पुट बाय करती हूँ तो ठीक है लेकिन राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट राइटिंग में मिल जाता है जब हम ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स बाइंग और राइटिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बायर ऑफ द ऑप्शन के दिमाग में एक बात बैठी जाती है मैंने जितना पैसा पे किया है उतना मेरा प्रीमियम लॉस है वो ये भूल जाता है कि प्रीमियम एवरीडे डीके हो रहा है तो हमारे पास टाइम स्टॉप लॉस भी होना चाहिए पाँच दिन का तो अगर प्राइस ये टाइम क्योंकि दिमाग में बैठ गया अच्छा ठीक है दिमाग में बैठ गया तो कोई बात नहीं है तो फिर ऑप्शंस पांच हजार की खरीदो दस हजार के खरीदो पंद्रह हजार के खरीदो पचास हजार बीस सत्तर हजार के ऑप्शन क्यों खरीद रहे हैं हम तो यही देखो और वो पैसे पाँच दिन में अगर मूवमेंट नहीं आया पैसा वेस्ट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा जीरो का बोलने की बात है फिर जब वो बढ़ रहा होता है तो फिर फास्ट क्यों एग्जिट कर जाते हो जीरो तक होल्ड करते हैं और लास्ट तक वेट करते हैं कि हाँ भाई जीरो हो जाएगा चलेगा लेकिन प्रॉफिट जैसे ही आया हम एक दो रुपये में निकल जाते हैं लेकिन जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो रिस्क तो अनलिमिटेड है इस दिन रात की नींद तो जाएगी ही जाएगी लेकिन इसके लिए आपको पांच दिन में ही आपको रेट आए जरूरी नहीं है दस दिन भी खड़े रह सकते हो बीस दिन भी खड़े रह सकते हो अप तो टू एक्सपायरी खड़े रह सकते हो मतलब एक्सपायरी के एक वीक पहले तक लास्ट वीक मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं रीजन डिलीवरी के चांसेस है ये ध्यान रखना एज ऑफ नाउ दिस इज वॉट इज द रूल से जो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कल क्या चेंजेस होंगे मुझे आइडिया नहीं है तो ये राइटिंग में भी अगर मैं देखूं इतना बेस्ट पार्ट जब मैं राइटिंग करती हूं तो साथ में ऊपर का कोई ना कोई ये कॉल सेफ्टी के लिए ले लेती हूं वर्स्ट सिनेरियो मुझे याद है एक बार की बात है कि कुछ बैंकिंग में आया था और सीधा बैंक्स जो है टेन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट अप्स खुले थे सबकी हालत खराब हो गई अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए हमारे पास दो ऑफरिंग्स हैं टेक्निकल एनालिसिस का नौ घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स जो कि सिर्फ थ्री नाइन्टी नाइन में अवेलेबल है इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं अगर आपके टेक्निकल्स के बेसिक्स एकदम क्लियर हैं तो आप मार्केट में मेरे साथ लाइव मार्केट्स में डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू माई मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ हम सारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट लाइव मार्केट्स में अप्लाई करेंगे और हमारे ट्रेड सेटअप्स के थ्रू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे हमारे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हैं और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं तो आज ही ज्वाइन करें तो अगर मैं लेटेस्ट से फॉर एग्जाम्पल बारह सौ का भी अगर मैं कॉल राइट right करूंगी तो मैं भले ही बारह सौ चालीस का एक कॉल बाय कर लूंगी एक रुपये एक्स्ट्रा लगा के कहीं ना कहीं ऐसी सिनारियों में मैं बहुत बड़े अनलिमिटेड लॉस तो बच जाऊंगी राइट हाँ क्रेडिट स्प्रेड्स करना है वो अलग हिसाब है ये एक टाइप का प्रोटेक्शन है कि मुझे ओवरनाइट कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं चाहिए हेजिंग के अलग है ये टाइप ऑफ हेज है कि मतलब मैंने अपना प्रोटेक्शन लिया लेकिन जब मैं स्प्रेड राइटिंग करती हूँ तो उसका तरीका अलग है उसके लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना के दूंगी और उसमें आप समझिएगा कि क्रेडिट स्प्रेड्स कैसे मैं बनाती हूँ मेरा तरीका थोड़ा अलग है अगेन मेरी सब चीजों का तरीका थोड़ा अलग होता है मैं अपने तरीके से काम करते आई हूँ और उसी तरीके से करती रहूंगी शेयर बाजार आज तक किसी से छूटा नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता है कि मुझसे छूटे और वैसे भी थर्टी एट ईयर्स हो गए कभी कभी लोग मुझसे क्वेश्चन कहते हैं कि भाई थर्टी एट ईयर्स हो गए ये वो तो क्या हुआ थर्ड जनरेशन हो थर्टी एट ईयर्स हो गए जब तक चल रहा है बैठे बैठा दो चार ट्रेड पांच ट्रेड दस ट्रेड कर लिए थोड़ा आ गया अपना काम चल रहा है दोनों चीजें फ्रेंड्स मन भी लगा रहता है पैसा भी आता है और क्या चाहिए लाइफ में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं देखती हूँ वो है कि मैं रेजिस्टेंस पे हूँ कि सपोर्ट पे दूसरा हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी रेजिस्टेंस का, का काम करते हैं और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट का काम करते हैं तो अब यहाँ पे एक आईसीआईसी का जो चार्ट है इसमें मैंने एडीएक्स जैसे डाला अच्छा आपको ये जानना है कि एडीएक्स कैसे डालते हैं तो मैं यहां पे इंडिकेटर में जाती हूं और डायरेक्शनल ऐसे डाला तो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स है अगर आप देखोगे तो एडीएक्स अलग आता है तो खाली अगर मैं एडीएक्स लूंगी ना तो सिंगल ADX लाइन आएगी एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट लेकिन मुझे साथ में तेजीबंदी वाली लाइन भी चाहिए तो मैं डायरेक्शनल मूवमेंट ले लूँगी और फिर यहाँ पर आकर मैं सेटिंग चेंज करती हूँ सेटिंग्स में पैरामीटर कुछ भी चेंज नहीं करूँगी देखिए मैं इनपुट्स कुछ नहीं चेंज कर रही हूँ मैं स्टाइल में जा रही हूँ ए डी एक्स लाइन को ब्लैक थोड़ा सा थिक जिससे विजिबिलिटी क्लियर आए फिर डी आई थोड़ा सा थिक ये डी आई प्लस देख रहे हो मतलब ये तेजी वाली लाइन है डी आई माइनस इसको रेड कलर कर दूंगी और थोड़ा सा थिक इतना करते ही विजिबिलिटी देखिए कितनी क्लियर हो गई अब यहाँ पर मैं एक लाइन 25 के आसपास डाल देती हूँ यहाँ पर अगर हम कहें तो रेजिस्टेंस है एज पर चार्ट वी आर इन रेजिस्टेंस एरिया ओके अब रेजिस्टेंस एरिया के साथ में अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो ये क्या एरिया है वन टू फाइव जीरो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था वन टू फाइव जीरो आपका ऑलमोस्ट यहाँ से हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और क्लस्टर्स बनते जा रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं बुट्स इतनी नीचे आके यहाँ तक अब इतना देख लिया प्राइस जो है अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो सपोर्ट से के पास आ रही है बट ये क्या हुआ है प्राइस को यहाँ आके प्राइस यहाँ आकर ये लेवल पे और अगर आप देखो तो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है ये तीनों के तीनों जो कटिंग हो रही है लाइन की वो कहाँ हो रही है सेवनटीन पे राइट right? मतलब ये कह रहा है कि प्राइस नीचे आएगा बट बाइंग का एडीएक्स कहाँ नीचे एकदम जा रहा है और ब्लैक कलर का एडीएक्स वो भी 16 के आसपास है इट इज नॉट अबाउट 25 और रेड का जो एडीएक्स है वो भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एवरी थिंग इज बिलो ट्वेंटी फाइव तो आई वुड प्रिफर टू राइट अ कॉल रादर देन गोइंग फॉर बाइंग अ पुट अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ में जो थीटा डी के मिला है अगर मैं एट द मनी भी राइट करती हूँ तो जो थीटा डी के मिला है वो ज़्यादा है राइटर्स के हिसाब से कंपेयर टू बायर्स हाँ ये नहीं है कि बायर को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा बायर को भी तो प्रॉफिट हुआ है बट बायर्स इतना होल्ड नहीं कर पाते जितना राइटर्स की कैपेसिटी होल्ड करने की ज़्यादा है तो जब राइटिंग करना हो और मुझे ऐसा वाला माहौल मिल जाए तो मैं राइटिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बजाय बाइंग इसमें दो चीज़ है मार्केट गिर तो रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात आपको इसमें वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है क्योंकि अगर वॉलेटाइल होता तो साथ में मेरा एडीएक्स में भी स्पीड आती प्राइसेस की फॉल में जो स्पीड आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही है ज़्यादा करके साइडवेज ही जा रहा है मार्केट तो ये जो साइडवेज अगर मैंने पुट बाय किया होता तो ये जो साइडवेज के जो मूवमेंट है ये मुझे परेशान कर देते थे और प्रीमियम खा जाते तो इसी तरह से चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन में आई सी आई सी आई वन टू फोर जीरो कॉल ऑप्शन और यहाँ पर एट द मनी जब हम राइटिंग करते हैं और रेजिस्टेंस पे हैं तो हम थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर हम पुट खरीद लेंगे आई सी आई सी आई वन टू डबल जीरो बायर्स जनरली हम थोड़ा सा ओ टी एम बाय करना पसंद करते हैं हाँ तो हम देखें तो ये फॉलिंग के हिसाब से हमको क्या डेट से मिल रहा था समझो हम ये क्लस्टर भी देखते हैं या कहीं भी देखते हैं तो हमको ये क्या डेट थी 30 जुलाई मंथ की बिगनिंग प्रीमियम ज़्यादा अच्छा मिलता है 30 जुलाई उनतीस तीस सोलह रुपया सोलह का तो ऑलमोस्ट अगर देखो तो जीरो हो गया और यहाँ पे तीस क्या प्राइस ट्वेंटी वन ये डबल हो गया राइट ये डबल हो गया जब एज अ राइटर मैं इसे देखती हूँ तीस जुलाई जब एज अ राइटर मैं इसे देखती हूँ तो हम ये देखते हैं कि जो हमने मार्जिन लगाया है एक लाख रुपया वो हमारा टू परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट एक महीने का आ जाए तो वी आर हैप्पी तो अगर लेटर से मेरा वन एंड हाफ लाख रुपीस लगा है और ये लॉट साइज़ कितनी है इसकी लॉट साइज है सेवन हंड्रेड सबसे पहली बात अब इसको हम एनालाइज करते हैं इस तरीके से कि 700 की लॉट साइज अगर मुझे डेढ़ लाख लगा के दस रुपया यानि मिलता है तो मिल जाता है मेरा फोट परसेंट के अप्रोक्सीमेट रिटर्न इन अ मंथ आई एम हैप्पी थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेते हैं इतना बड़ा रिस्क हमेशा तो नहीं आता है लेकिन जब गामा ब्लास्ट होता है उस दिन वो जो पूरे साल का पैसा जो लिखे जाता है यहां पे हम बच जाते हैं कम से कम घर से पैसा नहीं जाता बायर चलो वो ही आते हैं अब तीस तारीख को ये आ गया तीस तारीख अब तीस तारीख को ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री रुपीज में ये आया उसके बाद देखिए मेरा कर्सर जो है वो बराबर यहाँ पे भी आपको तीस दिखाएगा और यहां पे भी तीस दिखाएगा जहां पे मैं खड़ी हूं ओके तो आप दोनों तरफ देखिएगा एक तरफ तीस में आप देखिए जो कॉल मैंने शॉर्ट किया है तीस तारीख का प्राइस उसका हाई क्रॉस नहीं किया है राइट जहां पे मैंने शॉर्ट किया है प्राइस उसका हाई क्रॉस नहीं किया है और अगर मैंने पुट बाय किया होता और प्राइस तेईस रुपये का मान लो मैंने तेईस या बीस में भी बाई किया होता और वहाँ से प्राइस सत्रह अठारह जाके और छब्बीस भी मिलता तो मैं निकल जाती छः रुपये में राइट लेकिन अगर वो और जाता तो मैं साइडवेज चला जाता आज भी अगर मैं देखूँ तो इसमें अभी तक भी कहीं भी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है इसमें भी पैसा आया है बट राइटर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ रैली बट ये अगर मैं 22-25 में ले लेती हूँ या 20 में भी ले लेती हूँ उसके बाद जो ये प्राइस आया है इसका लो सत्रह साढ़े सत्रह ढाई तीन रुपया तो डेफिनेट है कि उसी दिन जब प्राइस वापस से तेईस आया होगा तो मैं निकल गई होंगी कि भाई बचो यहाँ से बड़ी मुश्किल से आया दूसरे दिन मैं गैप अप वगैरह में मैंने बहुत लोगों को देखा है अरे छूट गया हाथ से फिर वो भागते भागते पकड़ते हैं राइट अब एक और बात अगर मैं बाय कर रही हूँ ट्वेंटी रुपीज़ मेरी कॉस्टिंग आती है पंद्रह हज़ार रुपये ठीक है ना वहाँ पे पंद्रह हज़ार आ रही है और यहाँ पर मुझे अगर सात हजार रुपये आ जाते हैं डेढ़ लाख लगा के वन लाख फिफ्टी थाउजेंड लगा के सात हजार आते हैं तो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ठीक है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है जहां पर अब आते हैं हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राइटर जो है वो यहाँ पे कहीं भी नहीं हिलेगा ही इज हैप्पी ही दैट पावर और बायर जो है वो इस पोजीशन पे ही हिल जाएगा इतने से में और यहां नहीं तो यहां एग्जिट और एक और चीज में आपको बताती हूँ देखो ये एक प्रैक्टिकल चीज है मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ट्वेंटी नाइन पे और उसके बाद वो चला गया ट्वेंटी सेवन पे भाई मैं तो फिर ऐसी भागूंगी ना कि गया ये तो मुझ में या किसी भी एज बायर वो पेशेंस नहीं होता कि लेटर सी क्या होता है मेरा एसएल तो हिट नहीं हुआ ना कल का लो तोड़ेंगे तब देखेंगे तब तक तो लॉस हो जाएगा नहीं भाई मैं निकल के जाती हूँ उसके बाद दूसरे दिन जो ये देख के और फिर ऐसा मन करता है कि मैं इस भाव में वापस ले लूँ और सेवेंटी एटी परसेंट टाइम्स ये गलती होती है तो मिस मिस राइटर इस रेंज में बहुत खुश है चलिए अभी यही चीज मैं आपको दिखाती हूँ आईटीसी ओके आईटीसी अब आईटीसी में ऑप्शंस के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी क्लस्टर है राइट right? पूरा अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये पूरा क्लस्टर एरिया है कॉल साइड पुट साइड भी थोड़ा क्लस्टर है मतलब इतना इजी है या नहीं है वो बात की बात है बट सपोर्ट अच्छा है प्राइस में नो डाउट मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन यहाँ पे सर्कल है सर्कल है पुट राइट कर सकती हूँ बिल्कुल कर सकते हैं अगर देखें हम तो पुट का एडीएक्स कंटिन्यू नीचे ही नीचे है कॉल का एडीएक्स ऊपर जा रहा है तो जब ये वाला एडीएक्स भी ऊपर जाने लगे एडीएक्स मेन एडीएक्स अलोंग विथ ब्लू कलर एडीएक्स ये दोनों ऊपर जाने लगे ना तो मैं राइटिंग के बजाय बाइंग में शिफ्ट हो जाऊंगी क्योंकि डीके उतना स्लो नहीं होगा जितना राइज फास्ट होगा और स्पीड अगर आप देखें तो वो देखिए स्पीड तो ऐसे ही मैं आपको और भी स्टॉक्स हम देख सकते हैं एफ एंड ओ के कोई भी रैंडमली स्टॉक्स देखिए देखिए जहाँ पे भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है लेटर से दिस इज सपोर्ट अभी सपोर्ट के पास जहाँ पे ये सपोर्ट आया ए डी एक्सिस अबाउ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो इसका मतलब आई विल गो विथ बाइंग नॉट राइटिंग मुझे बाइंग में पैसा फास्ट मिलेगा राइटिंग में पैसा उतना फास्ट नहीं मिलेगा और ज्यादा फास्ट से ज़्यादा ज़्यादा आई एक्स आई एक्स में ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है ना बायर को लेने दे रहा है ना राइटर को लेने दे रहा है फिर आते हैं इंडिगो सी इंडिगो अगेन इफ़ आई गो फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेटेस्ट से दिस इज सपोर्ट विल मार्क द रेंज विल मार्क रेजिस्टेंस विल मार्क द जस्ट द रेंज इसमें मैंने ये दिस इज नॉट ट्रेंड लाइन कि मैंने टॉप और बॉटम ज्वाइन किया है मैंने रेंज मार्क किया है तीन सौ पॉइंट का रेंज है अब इसको अगर मैं मंथ के हिसाब से थोड़ा नैरो डाउन करना चाहूँ तो ये जुलाई 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 ऑगस्ट यहाँ पे आके ये यहाँ से थोड़ा ये रेंज बन जाता है और इस रेंज में चलो या यहां पे कहीं भी ये जहां पे भी सपोर्ट है अब यहां पर ए डी एक्स ऊपर है रेड कलर का तो मैं पुट राइट right करूंगी देखो सपोर्ट है मार्केट नीचे आने की बात कर रहा है बट ए डी एक्स किधर है एडीएक्स इज अबाउट ट्वेंटी फाइव रेड कलर ए डी एक्स एज़ अबाउट ट्वेंटी फाइव मैं पुट राइट नहीं करूँगी रिस्क लगता है भाई कि अगर ए डी एक्स ऊपर है और अचानक से नीचे गैप डाउन या ऐसा कुछ खुल गया तो कल सपोर्ट ईजिली तोड़ सकता है तो फ्रेंड्स इस तरह से हम थोड़ा बहुत स्टडी करके राइटिंग करें हाँ आज का टॉपिक मेरा थोड़ा टफ है आप देख लीजिए इन कंटिन्यू अप है नाउ टेल मी बाइंग में पैसा ज़्यादा है कि राइटिंग में जस्ट चेक दिस ए डी एक्स अबाउ ट्वेंटी फाइव ब्लू कलर ब्लैक कलर उसके साथ ही चल रहे हैं ना तो बाइंग में पैसा ज़्यादा है कि सेलिंग में हमें वही देखते रहना है तो दिस कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कब बाइंग की तरफ जाना है कब सेलिंग की तरफ सेलिंग करना है और सेलिंग में पैसा आता है इस बात को मैं डिनाई नहीं करती हूँ आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि सेलिंग में भी दो ढाई तीन टका महीने का निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट आपको ये देखना है कि आप इस टाइप वाले शेयर्स को प्रिफर करो ये वाले टाइप के शेयर्स को प्रिफर करो राइटिंग करने के लिए जिससे आपको पैसा आए थोड़ा बहुत ये देखिए ये सारा एडीएक्स का कमाल ऐसे वाले शेयर्स जो हैं जो आपको हेल्प करेंगे गाइड करेंगे क्योंकि मार्केट साइडवेज रहने वाला है ये तो होने के बाद पता चलेगा लेकिन एडीएक्स की मूवमेंट आपको 25 के ऊपर लेके जा रही है या नहीं ये तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जैसे अभी हमने एक स्टॉक देखा था इन्फी तो इन्फी में जब ये ऊपर आया था तब हमें क्लस्टर नहीं मिला था अगर मैं देखूं तो अब जाके क्लस्टर है लेकिन तब इसमें क्लस्टर नहीं था यहाँ पर अब जाके क्लस्टर आया है पहले क्लस्टर नहीं था तो इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं अगर थोड़ा सा चार्ट के साथ में ऑप्शन चेन को मिक्स करें तो जब क्लस्टर दिखे ना ऑप्शन चेन पे तो हर जगह रुकावट दिखती है सबके मन में क्वेश्चन होगा कि निफ्टी के बारे में बताओ बैंक निफ्टी के बारे में बताओ सब निफ्टी बैंक निफ्टी ही क्यों मांगते हैं स्टॉक्स कोई क्यों नहीं मांगता मुझे स्टॉक्स ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी अगेन ऐसा नहीं है कि मैं उसमें ट्रेड नहीं करती हूँ लेकिन स्टॉक्स में मुझे ज़्यादा मजा आता है हो सकता है कि मेरा रिंग टाइम का जो बेस है वहाँ पे इंडेक्स नहीं हुआ करते थे स्टॉक्स ही हुआ करते थे तो वो जो मेरा बेस है वो आज भी मुझे स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा खींचता है और मुझे स्टॉक्स ही ज़्यादा समझ में आते हैं अच्छा एक चीज और मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों का लॉस इंडेक्स में हुआ है कंपेयर टू स्टॉक्स बिकॉज स्टॉक्स में डरते हैं हम लोग करते हुए और ये सही है डरना तो हमेशा ही चाहिए इसलिए प्रोटेक्शन करके अपने आप को कोई भी एक जैसे आपने कॉल बेचा है कोई भी एक कॉल खरीद लो वर्स्ट सिनेरियो वो आपको बचा लेगा और ट्रायल हमेशा इतनी छोटी क्वांटिटी से करनी चाहिए कि अगर लॉस हो भी जाए तो आपकी पॉकेट को तकलीफ ना हो प्रॉफिट इज सेकेंडरी प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज प्राइमरी पहले कैपिटल पे ध्यान दीजिए प्रॉफिट आ जाएगा मतलब स्टॉप लॉस आपके हाथ में हो लॉस इतना बड़ा न लें कि आप दूसरे ट्रेड के लायक ना रहें तो फ्रेंड्स ऐसा है जैसे जैसे आपकी डिमांड्स आती है वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ ये बहुत डिमांड आई थी राइटिंग पर मैंने बनाया आप डिमांड करते जाइए मैं बनाते जाऊंगी। डिमांड के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं और लेके आते जाऊंगी। आई विल नॉट स्टॉप टीचिंग यू ऑल अनलेस यू वॉन्ट टू लर्न आप जब तक सीखना चाहोगे मैं सिखाते रहूंगी और वीडियोस लाते रहूंगी। आप डिमांड करते जाइए मैं बनाते जाऊंगी। मेरे थर्टी एट ईयर्स के एक्सपीरियंस का कुछ तो फ़ायदा उठाइए मैं देने को तैयार हूँ आप उठाइए तो सही बेनिफिट नॉलेज की कितनी मेरे से नॉलेज ले सकते हो जस्ट डिमांड इट एंड आई एम रेडी थैंक यू वेरी मच